हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेज डेली किचन। आज बना लेंगे विंटर स्पेशल गाजर का हलवा। इसे बनाने के लिए ना हम मावा यूज करेंगे ना ही कंडेंस मिल्क। तो स्टार्ट करते हैं। हेल्दी और डिलीशियस गाजर की हलवा की रेसिपी को आप एंड तक देखिए। 1 kg गाजर ले ली है हमने, इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसे हम ग्रेट कर लेंगे। वन के जी फुल फैट मिल्क ले लिया है मैंने, इसे सबसे पहले मैं बॉईल कर लूंगी। गरम कढ़ाई में ऐड कर देंगे 2 बड़े चम्मच घी। घी को मेल्ट होने देंगे। ऐड कर देंगे ग्रेटेड गाजर को। फ्राई करना है हमें 2-3 मिनट तक हाई फ्लेम पर ही। आप देखेंगे कि गाजर का कलर चेंज होने लगा है। गैस का फ्लेम अब मीडियम कर देंगे और गाजर को सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर हमने गाजर को कुक किया है। देखिए गाजर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें ऐड कर देंगे बॉईल किए हुए फुल फैट मिल्क को। गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और कंटिन्यूअसली चलाते हुए पकाएंगे। गाजर को मिल्क में कुक करते टाइम हमें इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर देना है। मैंने ले लिया है 10 काजू, जिसे मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 10 पिस्ता है, इसे भी मैंने लंबे टुकड़ों में काट लिया है। 10 बादाम है, इसे भी मैंने लंबे टुकड़ों में काटा है। और 10-12 किशमिश है। इन सबको ऐड कर देंगे। गाजर के साथ साथ ड्राई फ्रूट्स भी सॉफ्ट हो जाएंगे। हाफ एन आवर कुक करने के बाद हाई फ्लेम में अब ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर। 1/2 कप शुगर ऐड करेंगे। शुगर आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। शुगर मेल्ट हो गया है, काफ़ी वाटर रिलीज हुआ है। इस समय हम इसे हाई फ्लेम पर 15 मिनट तक कुक करेंगे। कुक करते टाइम हम इसे स्पैटुला से थोड़ा दबाते भी जाएंगे, जिससे हमारा हलवा थोड़ा स्मूथ हो जाए। पूरा 1 घंटा लग गया है गाजर का हलवा पकने में। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। गाजर का हलवा डन है। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, सर्व कर देंगे प्लेट पर। गाजर के हलवे को गार्निश कर देंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट से और गर्मा गर्म सर्व कर देंगे। बच्चों को गाजर खिलाने का ये सबसे अच्छा तरीका है। आप भी मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल के आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली सारी रेसिपीज की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू।